गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन नर्सिंग अपडेट बाय CHO यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान CHO भर्ती 2022 स्पेशल CHO MCQ सेशन क्लास 8। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इससे पहले 7 क्लास अपलोड की जा चुकी है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर वो पीछे की जो 7 क्लास है वो एक बार जरूर रीड कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पे करवाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो करवाए गए हैं। हर क्लासेस में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप जाकर उनको एक बार ज़रूर देख लें। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे फास्ट मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं स्पेशल CHO MCQ सेशन क्लास 8। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना है जो वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। बहुत इंपॉर्टेंट फ्री CHO टेस्ट सीरीज से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन फॉलोइंग टाइम आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, कि मीजल्स वैक्सीन को कितने टाइम तक अपन यूज कर सकते हैं। तो एक बार अपन मीजल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मीजल्स क्या होता है। तो मीजल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि मीजल्स जो होता है वो प्रिवेंट करता है मीजल्स वायरस से। इसके अलावा ये एयरबोर्न होता है, ये एयरबोर्न होता है, इसमें कॉप्लिक्स स्पॉट पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉप्लिक्स स्पॉट किस में पाया जाता है। तो कॉप्लिक्स स्पॉट पाया जाता है मीजल्स में। कॉप्लिक्स स्पॉट कहाँ पाया जाता है, मीजल्स में कहाँ पाया जाता है, तो जो कॉप्लिक्स स्पॉट है वो देखने को मिलता है अपने को सेकंड मोलर के पास में। सेकंड जो मोलर है, मोलर टीथ है, सेकंड मोलर टीथ के पास में देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा मीजल्स एक लाइव वैक्सीन होती है, मीजल्स एक लाइव वैक्सीन होती है, सिंगल डोज यूज़ करते हैं इसका, सिंगल डोज यूज करते हैं। और ये चाइल्डहुड डिजीज़ कहलाती है। कौन सी डिजीज़ कहलाती है? चाइल्डहुड डिजीज़ कहलाती है। तो ये मीजल्स के बारे में एक ओवरव्यू था कि मीजल्स क्या होता है। और अपन मीजल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि मीजल्स जो है 9 मंथ से 12 मंथ में दी जाती है, सबक्यूटेनियस दी जाती है, रूट सबक्यूटेनियस होता है। और डोज कितनी होती है? 0.5 ml इसकी डोज होती है। तो इसको जो क्वेश्चन है वो ये है कि मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन द फॉलोइंग आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में मीजल्स वैक्सीन को कब तक यूज कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा विद इन 4 आवर। 4 आवर के बाद इसको यूज नहीं कर सकते, 4 आवर के बाद इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है अपने को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, की ओवम रिलीज हुआ है, कहाँ से रिलीज हुआ है? ओवरी से। तो उसको कहते हैं ओवुलेशन। ओवम के रिलीज होने को क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। और ओवुलेशन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन पर देखने को मिलता है? 14 डे पे देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। अब मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है। तो मिड डे मील प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 1995 को। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, 1995। इसको स्कूल मील प्रोग्राम भी कहते हैं, स्कूल मील प्रोग्राम इसको कहते हैं।
इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मिड डे मील का, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्यों इसको चालू किया गया? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशनल डाइट, बच्चों को बेटर न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करवाना इसका मकसद है। तो इसका राइट आंसर जो है वो चला जाएगा अपना, राइट आंसर इज 95A, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा गया है कि नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, तो ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? तो नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया सन 1954 में, राइट आंसर है सन 1954 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव आज के सेशन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो CHO में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस, तो पहला ऑप्शन है नाइजीरिया गोनोरिया, क्लेमाइडो, हीमोफिलस डिक्राई और ट्रिपोनिमा पेलिडियम। इस का जो राइट आंसर है वो है ट्रिपोनिमा पेलिडियम इज राइट आंसर। तो अब अपन देखते हैं कि जो सिफिलिस है उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनिमा पेलिडियम है, गोनोरिया का नाइजीरिया गोनोराई और हीमोफिलस डेक्राई है उसका चानक्रोइड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रिपोनिमा पेलिडियम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 45 to 180 days। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोबिया से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, फोबिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। इन्होंने पूछा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो फियर ऑफ वाटर, इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा बी। अब अपन देखते हैं कि फियर ऑफ फूड क्या होता है, तो फियर ऑफ फूड होता है सीबोफोबिया। क्या होता है बच्चों? सीबोफोबिया होता है फियर ऑफ फूड। फियर ऑफ कोल्ड क्या होता है? तो फियर ऑफ कोल्ड जो होता है वो कहलाता है अपना फ्राइगोफोबिया कहलाता है। फियर ऑफ डाई वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है थैनेटोफोबिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 90% ऑफ पोलियो वायरस इन्फेक्टेड हैव, ये क्वेश्चन कल के सेशन में अपन ने ये क्वेश्चन किया था। तो 90% ऑफ पोलियो वायरस जो होते हैं वो नॉन सिम्टम होते हैं, सिम्टम नहीं दिखाते। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एस्केरियासिस इज द इन्फेक्शन ऑफ, एस्केरियासिस किसका इन्फेक्शन है? तो एस्केरियासिस जो होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का इन्फेक्शन होता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टिटनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान CHO में ये क्वेश्चन आएगा पक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिटनेस से, कि टिटनेस का फीचर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा लोकजा। लोकजा जो है वो टिटनेस का क्लिनिकल फीचर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राजस्थान CHO के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। तो एंटेरिक फीवर इज आल्सो नोन एज, एंटेरिक फीवर किसे कहते हैं? एंटेरिक फीवर क्या होता है बताओ? एंटेरिक फीवर जो होता है वो टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, टाइफाइड फीवर। इसके अलावा डेंगू फीवर है उसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, ये क्या कहलाता है? ब्रेक बोन फीवर कहलाता है। डेंगू, पोलियो, पोलियो पैरालिसिस हो जाता है, एलिमेंट्री कैनाल्स और मलेरिया, मलेरिया तो एक मच्छर से होने वाला रोग है, प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसका राइट आंसर टाइफॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से। अब इस सेशन में जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो राजस्थान सीएचओ को डायरेक्टली हिट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको आज सोल्व करवाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना। अगर आपको रियल में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जो नौकरी है वो पानी है, तो आपको कंटिन्यू मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू डेली एमसीक्यू सेशन की जो टेस्ट सीरीज है, सॉरी एमसीक्यू सेशन की जो क्लासेज है, वो डेली रेगुलर सुबह मॉर्निंग 7 बजे आपको मिलती रहेगी। और आगे मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लीपिंग सिकनेस ट्रांसमिटेड बाय, ये बताओ स्लीपिंग सिकनेस किससे ट्रांसमिट होता है? तो सेट्स फ्लाई, सैंड फ्लाई, मॉस्किटो, रैबिट। देखो रैबिट से तो नहीं होता, रैबिट से तो नहीं होता, मॉस्किटो मच्छर, मच्छर से स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई किस, सैंड फ्लाई से काला आजार होता है, काला आजार होता है, ठीक है। तो सेट्स फ्लाई जो है इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ए इज राइट आंसर, सेट्स फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे की वीडियोस में भी एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि डॉट्स जो है वो किसको ट्रीट करता है, डॉट्स है वो टीबी को ट्रीट करता है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मीजल्स के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, पहला ही क्वेश्चन था मीजल्स डिजीज मेनली किस में देखने को मिलता है, तो अपने देखा था चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कोलेरा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलेरा के बारे में 100% एक क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ 2023 के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अपने यहीं पे कोलेरा को क्लियर कर लेते हैं। तो कोलेरा क्या होता है, कोलेरा का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो कहलाता है विब्रियो, क्या कहलाता है, विब्रियो कोलेराई, विब्रियो कोलेराई कहलाता है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, कौन सी डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। नेक्स्ट ये जो है एंड प्रोडक्ट जो है इसका, कोलेरा का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, डायरिया होता है, डायरिया एंड प्रोडक्ट इसका डायरिया होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके अंदर ब्लू डेथ भी इसको कहते हैं, कोलेरा को कौन सा डेथ कहते हैं, ब्लू डेथ भी इसको कहते हैं, जो ब्लू डेथ कहलाती है कोलेरा, कोलेरा को ब्लू डेथ कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो एक कोलेरा जो है सी, कोलेरा में सी का मतलब जो होता है साइनोसिस से, इसलिए इसको ब्लू डेथ कहते हैं, ठीक है। ओ एच का मतलब होता है हाइपोवोल्मिक शोक, ठीक है। ओ का मतलब होता है ओरल दी, जो ओरल वैक्सीन दी जाती है इसकी, ठीक है। एल, एल का मतलब ये लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है। ई का मतलब जो होता है इसके अंदर वो होता है एंटेरोटॉक्सिन होता है, ये एंटेरोटॉक्सिन होता है, एंटेरोटॉक्सिन देखने को मिलता है। इसके अलावा आर है, तो आर का अपन यहाँ देख लेंगे कि आर जो होता है वो राइस वाटर स्टूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है अपने को, इसमें देखने को मिलता है, कोलेरा में देखने को मिलता है, राइस वाटर स्टूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कोलेरा में देखने को मिलता है। इसके अलावा ए का यहाँ पर मतलब होता है अजीथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक अपन देते हैं इसमें जब कोलेरा हो जाए उसमें। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा अपना कोलेरा इज, कोलेरा क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो कोलेरा के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, कोलेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे जब अपन थ्योरी का पोर्शन यहाँ पे कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट, येलो फीवर क्या है, येलो फीवर, तो येलो फीवर जो होता है, येलो फीवर इज ए, येलो फीवर एक वायरल डिजीज होती है, येलो फीवर एक वायरल डिजीज होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता क्या है, कि इम्यूनिटी जो होती है बीमारियों से बचाने का काम करती है, बीमारियों से लड़ती है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है इसमें। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, क्या डिजीज का ट्रीटमेंट ही इम्यूनिटी है,
प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करना, क्या ये इम्यूनिटी है? इम्यूनिटी का काम होता है डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर का सी चला जाएगा कि डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, कि कोई भी बीमारी होती है उसके प्रति प्रतिरक्षा बना लेना, रेजिस्टेंस बना लेना, बीमारी को नहीं होने देना, वो कहलाती है अपनी इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि कोलेरा जो है वो उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और कोलेरा सीएचओ का फेवरेट क्वेश्चन है, सीएचओ एग्जाम का, सीएचओ एग्जाम में कोलेरा बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, कोलेरा कंटामिनेटेड वाटर से होता है, बिल्कुल राइट है, कंटामिनेटेड हैंड से होता है, बिल्कुल राइट है, कंटामिनेटेड फूड से फैलता है, बिल्कुल कोलेरा जो है वो इन सबसे फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया इज मेनली अफेक्ट, मलेरिया जो है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है मलेरिया? तो मलेरिया स्प्लीन को करता है, किडनी को करता है, लीवर को करता है, या इंटेस्टाइन को करता है? तो अपने को पता है कि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया का, वो किस पर अटैक करता है? स्प्लीन पर अटैक करता है, इसलिए इसको स्प्लीनोमिगेली भी हो जाता है, स्प्लीनोमिगेली, कि स्प्लीन में क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और हमने अब तक जो क्वेश्चन किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको सीएचओ बनना है, अगर आपको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनना है, अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है नौकरी लगने का या मेहनत करने का, कोई शॉर्टकट नहीं है, स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो डायरेक्ट आपको सीएचओ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग, प्लेग का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहते हैं? यर्सिनिया पेस्टिसिस कहते हैं। राइट आंसर इज ए, यर्सिनिया पेस्टिसिस जो है वो कहलाता है। अब अपन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोगजिला ब्रुनेटाई जो होता है वो क्या कोज करता है, ये क्यों फीवर कोज करता है, क्यों फीवर कोज करता है? तो आज के सेशन में ये थे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि मैं वीडियो के अंत में आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि फ्री मेगा सीएचओ टेस्ट सीरीज, हाँ फ्री मेगा सीएचओ टेस्ट सीरीज जो है वो जल्द ही 2 दिन बाद 10th ऑफ नवंबर को स्टार्ट होने जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। अभी मेरे साथ 75 प्लस जो स्टूडेंट हैं वो जुड़ चुके हैं। तो मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, उस पर आप मुझे सिंपली मैसेज करना टेस्ट सीरीज विद योर नेम, नाम के साथ मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, और वहीं पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना रखी है मेरे YouTube चैनल पर, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर विजिट करें। टेस्ट सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया गया है कि कैसे टेस्ट सीरीज़ देनी है, कब आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और टेस्ट सीरीज़ का डिज़ाइन क्या है, कैसे देखने को मिलेगी टेस्ट सीरीज़, कैसे अपने को अटेम्प्ट करनी है, तो वो सब उस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करी है तो ये मौका है, दो दिन बाद आपको टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आपको जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो जो तैयारी कर रहे हैं, भला हो जाएगा तो उनको फ्री की जो ये टेस्ट सीरीज़ है वो मिल जाएगी, और बेस्ट क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज़ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। कोई क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं होगा। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है ये शेयर कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, उस टेस्ट सीरीज़ के लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली मुझे मैसेज कर देना कि टेस्ट सीरीज़ विद योर नेम,
और मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, फिर आप टेस्ट सीरीज देने के लिए तैयार हो जाओगे। तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को बताओ, अपने सब दोस्तों को बता दो जो भी तैयारी कर रहा हो, ताकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो कंपटीशन करने में मज़ा आएगा, और रैंक जब ज़्यादा बच्चों में आएगी तो मज़ा आएगा। और रैंक में मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 स्टूडेंट हैं, उनको मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर उनके नाम और मेरी वीडियो में भी उनके नाम में लूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।